देखिए दिसंबर मंथ की तो आपने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर ली होगी, लेकिन जब आप अपनी जनवरी मंथ की जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे यानी कि जनवरी 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे तो तब आपको अपनी जीएसटीआर 1 में दो नए टेबल देखने के लिए मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि अब जनवरी मंथ में आपको जीएसटी में कौन कौन से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको आपकी जीएसटीआर 1 में देखने के लिए मिलेगा, जहां पर अब आपको अपनी जीएसटीआर 1 में दो नई टेबल देखने के लिए मिलेगी, पहली टेबल नंबर 14 और दूसरी टेबल नंबर 15। अब इन दोनों टेबल में आपको कौन से सेल्स का डेटा रिपोर्ट करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी में जीएसटीआर 1 क्या होती है। अगर आपको जीएसटी की कुछ भी नॉलेज नहीं है और जीएसटी से रिलेटेड आप ये हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दें कि जीएसटी में बेसिकली दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, पहला कंपोजिशन स्कीम और दूसरा रेगुलर स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेयर को 3 महीने में अपनी टोटल सेल्स पे 1% या 5% टैक्स जमा करना पड़ता है और 3 महीने में सिर्फ एक बार अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। दूसरी ओर रेगुलर स्कीम में आपको हर महीने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको दो रिटर्न देखने के लिए मिलती है, पहली जीएसटीआर 1 और दूसरी जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 में आप अपनी टोटल मंथ की सेल्स का डेटा रिपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि भाई हमारी इस महीने में टोटल इतनी सेल्स हुई है। लेकिन इसके ऊपर जब टैक्स जमा करने की बात आती है तो आपको अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करनी पड़ती है। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में जीएसटीआर 1 में अब आपको नई दो टेबल देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जनवरी 2024 की जब आप अपनी जीएसटीआर 1 फरवरी में फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको दो नई टेबल देखने के लिए मिलेगी, पहली टेबल नंबर 14 और दूसरी टेबल नंबर 15। हमें ये तो पता चल गया कि जीएसटीआर 1 में हम अपनी सेल्स का डेटा रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर टेबल नंबर 14 और 15 में हमें कौन सी सेल्स का डेटा रिपोर्ट करना है तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए अभी तक टैक्स पेयर अपनी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सेल्स को अपनी जीएसटीआर 1 में एक साथ ही रिपोर्ट करते आ रहे थे, लेकिन अब जब जनवरी मंथ की जीएसटीआर 1 आपको फाइल करनी पड़ेगी तो यहां पर आपको अपनी ऑनलाइन सेलिंग को अलग से दिखाना होगा। इसमें आपके लिए टेबल नंबर 14 और 15 को ऐड किया गया है, यानी कि अब आप अपनी ऑनलाइन सेलिंग को अपनी टेबल नंबर 14 और 15 में दिखाएंगे। अब बात करते हैं कि टेबल नंबर 14 में आपको कौन सी सेल्स रिपोर्ट करनी है और टेबल नंबर 15 में आपको कौन सी सेल्स रिपोर्ट करनी है, तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन सेलिंग क्या होती है और ऑफलाइन सेलिंग क्या होती है। देखिए ऑफलाइन सेलिंग में आपकी एक शॉप होती है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगर आपकी ऐसी सेल्स है तो आप जिस तरीके से अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर रहे थे आपको इसी तरीके से उस सेल्स को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन बात आती है कि अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर रहे हैं और आपकी जितना भी सेल्स हो रहा है उस सेल्स के डेटा को अब आपको जनवरी मंथ की जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 14 और 15 में रिपोर्ट करना होगा। अब बात आती है कि टेबल नंबर 14 में आपको कौन सी ई कॉमर्स सेलिंग दिखानी है और टेबल नंबर 15 में आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कौन से सेल्स को रिपोर्ट करना है। देखिए टेबल नंबर 14 में हमें ऐसी सेल्स का डेटा रिपोर्ट करना होगा जहां पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर सेक्शन 52 अप्लाई किया जाता होगा। अब सेक्शन 52 क्या है और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किस तरीके से इफेक्ट करता है। देखिए जब भी हम किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को यूज करके अपने प्रोडक्ट को अपने एंड यूजर तक सेल करते हैं तो जब हमें हमारा सेल्स का पैसा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो उस पे आउट में से 1% TCS काट के इनको गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। यही सेक्शन 52 का प्रोविजन होता है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी सेल्स हुई है जहां पर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाया और जब आपको आपके सेल्स का पैसा मिला तो उसके ऊपर 1% TCS काट के गवर्नमेंट को उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिपॉजिट करा दिया, तो ऐसी सेल्स का डेटा अब आपको अपनी जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट करना होगा।
दूसरी ओर आपको एक बात का और ख्याल रखना होगा कि टेबल नंबर 14 में आपको ऐसी सेल्स का डेटा रिपोर्ट करना होगा जहां पर टैक्स डिपॉजिट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी यानी कि सेलर्स की होगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। अगर ये आप दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप अपनी सेल्स का डेटा टेबल नंबर 14 में अपनी GSTR 1 में अब दिखाएंगे। ये बात करते हैं कि टेबल नंबर 15 में आपको कौन से सेल्स का डेटा रिपोर्ट करना है। देखिए GSTR 1 की टेबल नंबर 15 में भी आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की गई सेल्स का डेटा ही रिपोर्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पर ख्याल ये रखना होगा कि यहाँ पर टैक्स डिपॉजिट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं बल्कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की होगी। इसके ऊपर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 अप्लाई किया जाता है। इसके तहत पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज, एकोमोडेशन सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये कुछ इस तरीके की सर्विस आती है कि अगर आप इन सर्विसेज को यूज करके अपने प्रोडक्ट को अपने एंड यूजर तक पहुंचाते हैं तो यहां पर टैक्स डिपॉजिट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की होती है ना कि सेलर की होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जोमेटो, स्विगी, रेस्टोरेंट सर्विसेज वगैरह, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आप इस तरीके का कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को अपने एंड यूज़र तक पहुंचा रहे हैं जहां पर टैक्स आप नहीं बल्कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहां पर आपको इस तरीके की सेल्स को टेबल नंबर 15 में रिपोर्ट करना होगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि जब आप अपनी जनवरी 2024 की रिटर्न GSTR 1 को फाइल करेंगे तो यहां पर अब आपको दो नई टेबल देखने के लिए मिलेगी, पहली टेबल नंबर 14 और दूसरी टेबल नंबर 15। इन दोनों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि आपको कौन सी सेल्स रिपोर्ट करनी है। जिस तरीके से अभी तक आप अपनी GSTR 1 को फाइल कर रहे हैं आपको ठीक इसी तरीके से करनी होगी, लेकिन बस अब आपको ख्याल ये रखना होगा कि आपको अपनी ऑफलाइन सेल्स को अलग प्लस ऑनलाइन सेलिंग को अलग रिपोर्ट करना होगा। ऑफलाइन सेलिंग को आप जिस तरीके से अभी तक रिपोर्ट कर रहे थे B2B B2C सेगमेंट में, इसी तरीके से आपको रिपोर्ट करना होगा, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग को अब आपको टेबल नंबर 14 और 15 में रिपोर्ट करना होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप AGI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।